बड़वानी जिले के अंजड़ नगर नाका स्थित सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट और पीआईयू की जमीन पर बने बिल्डिंग के अतिरिक्त 500 स्क्वायर फीट निर्माण को तहसीलदार राजेश पाटीदार और नगरपालिका सीएमओ की मौजूदगी में तोड़ा गया। शहर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसके चलते अंजड़ नाके पर निर्माणाधीन भवन को तोड़ने की कार्यवाही नगरीय निकाय अमले द्वारा की गई। उक्त भवन निर्माणकर्ता को पहले नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्देश दिया गया था, किंतु समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश गोले को पट्टे पर 600 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी। गोले द्वारा रोड के जगह छोड़कर निर्माण करवाया था, लेकिन पीछे की जमीन पीआईयू के कार्यालय से लिए आरक्षित होने के कारण शासन द्वारा 500 स्क्वायर फीट निर्माण तोड़ा गया। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की? आज बड़वानी में अंजड़ नाके पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एक अतिक्रामक मोहन गोले थे, उनके भाई को 600 स्क्वायर फीट का पट्टा जिसके साहब के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अतिरिक्त 520 स्क्वायर फीट पर निर्माण कार्य कर लिया था। इसके संबंध में 4 जनवरी को SDM साहब ने आदेश जारी किया था। उस आदेश में उनको बेदखल करने का भी उल्लेख किया गया था, जिसके परिपालन में हम लोग आज नगर पालिका पुलिस पर के सहयोग से राजस्व कार्रवाई कर रहे हैं। कुल कितनी ज़मीन है सर? कुल ज़मीन जो अतिक्रमण है वो 520 स्क्वायर फीट का है। पट्टा जो जारी हुआ था वो 600 स्क्वायर फीट का हुआ था। 600 स्क्वायर फीट से अधिक जो है 520 वर्ग फीट पर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। जो अतिक्रामक है उनके भाई है, ओम प्रकाश, उनके नाम से पट्टा जारी किया गया था, लेकिन इसमें जो जारी किया गया पट्टा था उससे ज़्यादा क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।